नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद है पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गुल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 7-8 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने 2 सीटी लगा के कुकर में बॉयल कर लिया है। उसके बाद मैंने आलू को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मिक्सी के जार में हम ले लेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च 2 टुकड़ा करके हम डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते, और डालेंगे हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच। थोड़ा सा हम पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल को पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे। डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे सरसों, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के हम फ्राई कर लेंगे। सरसों जैसी अच्छे से चटक जाए हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, साथ ही हम डालेंगे 2 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, और साथ ही हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के डाल देंगे मसाले में। डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, और मसाले को 4 से 5 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। 10 मिनट भी नहीं लगता इस रेसिपी को बनने में, और रोटी पराठे पूरी किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को मीडियम फ्लेम में भून लिया है। मसाले के साइड से जैसे तेल अलग दिखने लगे हम डाल देंगे यहाँ पे आलू, साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, और आलू डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके आलू को 3-4 मिनट फ्राई कर लेंगे, और डालेंगे खूब सारे धनिया के पत्ते। आप इसे चाट की तरह भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा खाने में। 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम में आलू को मसाले के साथ भून लिया है। बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले आलू में कोट हो चुका है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जितना आपको ये देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अच्छे से हमारे आलू भून चुका है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और आलू को सर्व कर लेंगे हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।